हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल. दिस इज़ योर पीएम मैम. एंड जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलने वाली है, अपडेट्स टाइम पे मिलने वाले हैं, आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर होने वाले हैं, भले वो नीट के पहले हो, नीट का दिन हो या नीट के बाद काउंसलिंग रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हो. सो देर आर टू अपडेट्स दैट आई वॉन्टेड टू गिव यू, एंड एक कन्फ्यूजन भी क्लियर करना है और एक सजेशन भी है. बिल्कुल ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए जल्दी जल्दी मैं आपको सारी बातों को बताऊंगी ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो. नाउ सबसे पहली न्यूज़ ये है कि कल NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस आया, पब्लिक नोटिस. डेट आप देख सकते हो कि ये 14 जून है. एंड ये नोटिस आया था कि जो स्टूडेंट्स नीट का रजिस्ट्रेशन करते टाइम, फॉर्म फिल करते टाइम अपनी कैटेगरी को अगर गलत फिल कर दिए हैं या उन्होंने उस टाइम कैटेगरी का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं था, इसीलिए उन्होंने कोई मतलब जनरल भर दिया या कोई और कैटेगरी भर दिया पर ना उनके पास सर्टिफिकेट है, या फिर उनके पास अभी भी सर्टिफिकेट नहीं है पर फिर भी वो अपनी कैटेगरी चेंज करवाना चाहते हैं, तो ये जो नोटिस है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है. तो नीट UG 22 का जो करेक्शन है जो कैटेगरी का, वो 14 जून से 16 जून तक आप कर सकते हो. अगर आपके पास आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन करके, ये वाला जो फॉर्म इस नोटिस के पीछे अटैच्ड है ये फिल करके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से भी अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हो. फिर आप इवेंचुअली काउंसलिंग तक आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपके रिस्पेक्टेड अथॉरिटी से ऑब्टेन कर सकते हैं. तो ये वाला न्यूज़ था जो जो भी चेंज करना चाहता है. और यहाँ पर ऐसा फीस है कि अगर आप कैटेगरी चेंज करते हो और अगर फीस का चेंज है फॉर्म के तो वो भी आपको पे करना रहेगा. ठीक है, ये बात है एक तो रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ द कैटेगरी. नाउ द सेकेंड थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट इज कि बहुत ज़्यादा ट्विटर पे है ना पोस्टपोन नीट UG 22, बहुत ज़्यादा हर जगह इनफैक्ट है ना यूट्यूब के कमेंट्स में, सोशल मीडिया पे दिस थिंग इज ट्रेंडिंग अलॉट एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर क्यूरियस टू नो कि होगा या नहीं होगा, या मे बी दे आर डिस्टर्ब्ड कि वो पढ़ नहीं पा रहे इतने सारा पोस्टपोन का ये जो माहौल बन रहा है, तो क्या होगा, क्या होना चाहिए एंड क्या नहीं होता है. मैं सारी चीज़ें बताती हूँ. देखो सबसे पहले कि ये ट्रेंड क्यों कर रहा है कि नीट UG 22 को पोस्टपोन करो, तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि एक्चुअल में जिनका काउंसलिंग आखिरी तक चला उनको 3 महीने भी अच्छे से नहीं मिल पाए प्रिपेयर करने को. ठीक है, इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि पोस्टपोन हो. दूसरी बात है कि हर बच्चे को ही लगता है कि थोड़ा टाइम और मिल जाए और मिल जाए, तो जो बच्चों को सफिशेंट टाइम मिला था वो भी ये चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नीट UG 22 क्या हो जाए, पोस्टपोन हो जाए. ठीक है, अच्छी बात है. मतलब अगर आप मुझसे ओपिनियन पूछोगे कि आपका क्या ओपिनियन है कि नीट UG 22 पोस्टपोन होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो देखो जिनका काउंसलिंग लेट तक चला तो उनके लिए तो बहुत ही अनफेयर है कि 3 ही महीना मिला उन्हें, तो हो जाना चाहिए, मतलब वेल एंड गुड. एंड जो स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड्स में बिजी थे इसलिए 11th का रिवाइज नहीं कर पाए, या फिर 1 महीना तो जो ज़्यादा मिलता है वो तो बेनिफिशियल ही होता है ना, ये इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन क्या ये पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, तो एक्चुअल में मैं आपको लास्ट ईयर की बात बताती हूँ नीट 21 की, तब भी बहुत सारा ट्विटर पे, अभी भी आप चेक करोगे तो वो हैशटैग्स होंगे हर जगह सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बच्चे मतलब पोस्टपोन ये सारी बातें कर रहे थे. नाउ इससे हुआ क्या, पोस्टपोन नहीं हुआ. ठीक है, लास्ट ईयर पोस्टपोन नहीं हुआ. और बहुत बार ऐसा होता है कि ये चलते हैं ट्विटर वगैरह पर पोस्टपोन नहीं होता है. नाउ देखो अगर पोस्टपोन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ते रहो तब और टाइम मिल जाएगा और पढ़ देना. नहीं होता है तो इससे क्या होगा कि आप ये जो है ट्विटर पे अपना बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे, कमेंट बॉक्स में लगाओगे, इधर उधर यूट्यूब पे वीडियोस देखने में लगाओगे, फिर मन में आ जाता है कि हो गया कभी तो, एक होप आ जाती है, तो फिर आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो. अब आपको भी पता है कि आज 15 जून है, एन एग्ज़ाम 17 जुलाई को है, 1 महीना ही बचा है. इसमें अगर आप इन सभी एक्टिविटीज़ में लग जाओगे तो आप पढ़ाई पे फुली कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे जैसा कि आपको करना चाहिए था. फिर अगर नहीं हुआ पोस्टपोन तो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा एंड आप सिलेक्शन से भी दूर जाने के चांसेस हैं. तो मैं तो मतलब बस आपको गाइड करना चाहती हूँ, अवेयर करवाना चाहती हूँ, एंड शायद यही मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊँ कि एक होप मत लाओ कि होगा, क्योंकि देखो तुमने अपनी बात उन्हें तक पहुँचा दी है, मीटिंग भी हुआ है NTA का और एजुकेशन मिनिस्ट्री का रिलेटेड टू पोस्टपोन, पर किसी को नहीं पता है कि होगा कि नहीं होगा. ठीक है, जितने भी यूट्यूब बन रहे उनको भी NTA से कॉल नहीं आया, यूट्यूब वीडियोस बनाने वालों को, कि होने वाला है ना, बहुत सारे फेक वीडियोस बनने लगे हैं. तो आप क्या हो जाओगे इसमें, अपना टाइम गवा कर दोगे, पढ़ाई भी नहीं करोगे और सिलेक्शन होते होते भी रुक जाता है बेटा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, बात का बुरा मत मानना, अपना टाइम इधर उधर मत वेस्ट करो. होने वाली होगी तो अच्छा 1 महीना मिल जाएगा, और नहीं होने वाली होगी और आपने इसी उम्मीद में अगर ये महीना निकाल दिया
तो सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है। तो अभी जो होगा नहीं होगा, अभी जैसे इनको लग रहा है कि डेट बढ़ा दिए 16 जून तक कर दिए, तो है चांसेस, तो चांसेस तो बहुत ही कम है, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, बहुत कम चांसेस हैं कि होगा। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों में लग के हमने आखिरी महीने पे फोकस नहीं करा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी आपको बार बार ये पिंच करते हैं कि हो जाएगा, क्या पढ़ रहे हो, मत पढ़ो। तो हमको ये गलती नहीं करनी है कि हम हमारी पढ़ाई में थोड़ी कमी ला दें। अब ऐसा टाइम है ना बेटा कि हमको सोना भी कम है, खाना भी थोड़ा लाइट वेट है ताकि दिन में मतलब नींद ना आए। और हमें एक महीना है बेटा, ये आने वाले आपके लाइफ के 30-35 साल को चेंज कर देगा। तो ऐसा किसी भी र्यूमर में अपने आप को इंडल्ज मत करो, एक बिल्कुल फोकस होके अपना पढ़ते रहो। जो भी चेंजेस और अपडेट होंगे मैं आपको इसी तरह हमेशा शॉर्ट में देती रहूँगी, ठीक है। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, अपने टाइम को बचाओ और अच्छे से पढ़ना। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ बेटा यहाँ पे, ये अनबॉक्स 22, जो भी बच्चा अभी एक्चुअल में नीट देने वाला है 23 या 24 में, इनके लिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का एक बढ़िया ऑफर है कि अगर आप लाइक 18 मंथ या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। यानी कि अगर आप देख रहे हो तो कितना सारे दिन का जो आपका ये सब्सक्रिप्शन है 24 मंथ का, ऑलमोस्ट 2 साल का, आपको ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ 53,000 में पड़ेगा। अगर आप कोड यूज़ करते हैं डॉक्टर प्रणाली तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिलेगा। तो अगर आपका कोई जूनियर है जो नीट 23 या 24 में देना चाहता है तो उनको ज़रूर सजेस्ट करना कि वो इस अनबॉक्स ऑफ़र को यूज़ कर लें, क्योंकि ये जो ऑफ़र है वो जून 15 तक ही वैलिड है, ठीक है। थैंक यू बेटा, अच्छे से पढ़ो नीट का और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो। थैंक यू।